सावधान, यह वीडियो मोटो व्लॉगिंग करने वाले राइडर्स के लिए है। इस वीडियो में आपको हेलमेट पर गोप्रो चिन माउंट लगाना और माइक सेटअप करना दिखाया जाएगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को स्किप करके देखें या वीडियो ना देखें। आपको ज़बरदस्ती देखने पर उल्टी, दस्त और बुखार भी हो सकता है। जनहित में जारी। Hello guys, welcome back once again on my YouTube channel. So today I'm installing chin mount on my new helmet which is MT Blade 2. और मेरे पास पिछला जो हेलमेट था मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा मेरे पास जो हेलमेट है स्टील बर्ड का, SB करके मॉडल है ये। सो अच्छा हेलमेट है ये, बट इसके अंदर पैडिंग वगैरह इतनी खास नहीं है। तो अगर स्पीड आपकी गाड़ी की रहनी है 100+, सो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने MT की तरफ को स्विच करा। इसके अंदर जो मैंने चेन माउंट जो इसके अंदर लगाया था वो मैंने किसी तरह से जुगाड़ कर के लगाया था और अच्छे तरह से इसके अंदर फिट हो चुका था। बट इसके अंदर क्या खासियत थी कि इसके यहाँ पर बहुत सारी जगह है चेन माउंट लगाने की। बट जो MT वाला हेलमेट है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी ये वाला हेलमेट, इसके अंदर इतनी जगह नहीं है जो हेलमेट को फिट कर सकें। और फिर यार नए हेलमेट में मैं सोच रहा हूँ MCL वगैरह में क्या ही लगाऊँ यार उसके अंदर, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। सोच के भी लग रहा है कि यार कितना भद्दा लगने लगेगा यहाँ से अगर मैं इसके अंदर MCL वगैरह लगाऊँगा। बच्चे बहुत शोर करते रहते हैं, चलो कोई नहीं, इग्नोर करो। तो इसके लिए मैंने कुछ सामान मंगाया है और माइक वगैरह सेटअप करेंगे। एक्चुअली मुझे आता नहीं है, इसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंट ही करे तो, और इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छी बात ये होगी कि पिछली बार मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट इस बार मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी अगर चाहो तो सीख सको मेरे साथ, जैसे मैं सीखूंगा वैसे ही आप भी सीख सको। तो चलो फिर इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर चेन माउंट और माइक का सेटअप। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ माइक सेटअप करने के लिए और चेन माउंट सेटअप करने के लिए। सो गाइस, ये है ब्लू आर्मर का चेन माउंट, और गाइस ये DJI की ओस्मो की माइक है और ये एक एक्सटेंशन वायर है, क्योंकि ये जो माइक है वो बहुत छोटा है। गाइस मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक TRS वायर होती है और एक TRRS वायर होती है। तो TRRS के अंदर होती है चार पोल जो कि स्मार्टफोन के साथ काम करती है, और 3 पिन वाली कैमरास के साथ काम करती है। तो हमारे GoPro के साथ जो काम करेगी वो है ये वाली। अब क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करते करते मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, आप भी कह रहे होगे कि अभी कहाँ था और अभी कहाँ आ गया। एक्चुअली मेरा ऑफिस है उसमें AC नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और पंखा भी बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, नहीं तो उसमें वॉइस पंखे की ज़्यादा आएगी, मेरी कम आएगी। तो मैं दिखा देता हूँ कि हेलमेट में मैं क्या लगा रहा हूँ। एक्चुअली हेलमेट अंदर से ऐसा है, और जितना अभी हम क्या करेंगे जब इसके अंदर मैं माइक फिट करूँगा, वायर्स वगैरह फिट करूँगा और यहाँ चेन माउंट लगाऊंगा, तब तक हम इसको निकाल के, इस पोर्शन को निकाल के वॉश कर लेंगे। और इस शीशे को भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी इंस्टॉल करते समय इस शीशे को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे और ये टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि इसको निकाल लूँ मैं। अब हम इस पे इंस्टॉल करेंगे क्या, चिन माउंट। यार ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से, सो क्योंकि ये एक बार ही लगेगा। तो इसका जो वेंट है मैंने बंद कर दिया यहाँ से, एयर वेंट। यार ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोच रहा था कि इसके अंदर जो है एक आध बूंद एल्फी वगैरह की भी डाल दूं, बट यार ज़रूरत नहीं लग रही मुझे क्योंकि ये बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा। गर्मियों में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है 3M जो है वो थोड़ी सी वीक पड़ने लग जाती है, धूप लगती है डायरेक्ट।
तो हाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ वहाँ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो ये इंस्टॉल हो गया है, बाकी मैं इसके ऊपर एक बारी GoPro लगा के देख लेता हूँ। सो ये रहा GoPro का अडेप्टर, इसको इंस्टॉल कर लिया, ये लग गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बारी मैं GoPro डाल भी देता हूँ। ये GoPro इंस्टॉल हो गया इसके अंदर। सो बहुत अच्छा जुगाड़ लगा मुझे, ये जुगाड़ क्या यार, ये तो अच्छी चीज़ बनाई है। सो अच्छे से इंस्टॉल हो गया, बाकी मैं एक बारी आपको पहन के भी दिखा देता हूँ। तो इसीलिए मैं इसको एक बारी एक थोड़ा सा एक्सटेंशन लगा के थोड़ा सा और ऊंचा कर दूंगा, बाकी अच्छे से फिट हो गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर फिट हो गया है, बिल्कुल कैमरा एंगल बिल्कुल सीधा है। सो अच्छे से फिट हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर वायर वगैरह लगाते हैं और माइक सेट करते हैं। इस माइक अडेप्टर से, GoPro माइक अडेप्टर से लेके ये वाली जो वायर है ना, ये 1.2 मीटर है, तो मुझे कुछ तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर आके माइक को सपोर्ट दे सके, एक्सटेंशन का काम कर सके। तो इस वायर का मुझे क्या करना है कि इस हेलमेट के अंदर मुझे इस वायर का जुगाड़ करना पड़ेगा। सो इसलिए इसकी इनर पैडिंग जो है ये वाली, ये निकाल लेता हूँ फिलहाल मैं। ये ऐसे कट और ऐसे कट करना पड़ेगा और ये निकल जाएगी। सो ये माइक है, माइक को खोल लेता हूँ। माइक जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही क्यूट सा माइक है ये, देखो बहुत ही क्यूट सा माइक है और अच्छा है। बस मुझे यहाँ तक अपने होठों के यहाँ पर चाहिए माइक, ताकि जो मैं बोलूँ वो रिकॉर्ड होता रहे। बिल्कुल सामने रखने से नुकसान ही होता है कि जो सांस की आवाज़ें हैं वो आती रहती हैं, तो मुझे इसको एग्जैक्टली यहाँ पर रखना है, ऐसे करके फिट करके, और मुझे हेलमेट के यहाँ पर रखना है करीबन यहाँ पर माइक। तो इधर रखने के लिए मुझे जो बाकी वायर है, वायर को कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। सो वायर का जुगाड़ करता हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे करा है। तो प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे करा है। तो ये रहा माइक और एक्सटेंशन की वायर यहाँ से आ रही पीछे से, और ऊपर जाके फिर यहाँ से निकल के माइक में अटैच हो रही है। तो इस तरह से मैंने करा है। अब मैं क्या करूँगा ग्लू गन से, क्योंकि अंदर जो जगह है ना गोल गोल, जिसमें मेरा ये सेट होगा मामला, ये वाला, ये तो इसके ऊपर जो वायर है वो सेट हो जाएगी और इस तरह से ये हेलमेट अपना तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ, ग्लू गन वगैरह लगा के फाइनल आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चिपका है, सेट हुआ है। फिर उसके बाद एक गेड़ी मार के आएंगे, चेक करेंगे कि भाई किस तरह से अपना जो GoPro है वो काम कर रहा है, माइक वगैरह ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलो फिर मैं फिट करके दिखाता हूँ। तो भाई लोग कैसा लग रहा हूँ मैं, सो सेटअप कर लिया मैंने और बढ़िया सा लग रहा है। ओ सब्जी, आपका ये देश हमारे नेपाल में आता है, तो सही लग रहा है, सेट हो गया है। और अभी रोड पे ट्राई करते हैं इसको। जो माइक है मैंने आपको दिखाई दिया था प्लेसमेंट, उसकी ऐसे रखी है, एक तरफ से तार जा रही है ऊपर जाके घूम के और फिर दूसरी तरफ से आ रही है, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ना ये बड़ा है। आप कोशिश करना कि एक्सटेंशन छोटा मिले, अगर मिले तो, नहीं तो TRS वाली माइक ही लेना। अगर नहीं मिलता है तो ऐसे जुगाड़ के, जैसे मैंने DJI का माइक लिया है। और कोशिश करना जो ये है ना कि L टाइप के भी आते हैं,
मेरे को नहीं मिला, मैंने अमेज़ॉन छान मारा कि एल टाइप के भी आते हैं कनेक्शन, बहुत ध्यान से खरीदना, कभी आप जल्दबाजी में गलत खरीद लो तो एल टाइप के आते हैं। एल टाइप के लोगे तो क्या है, उसमें ये बैंड नहीं होगा, वो पहले से एल टाइप का होगा तो उसमें बैंड होने का टेंशन नहीं रहेगा। तो चलो फिर इसे रोड पर ट्राई करते हैं, और हेलमेट को इंटरनल मैं दिखा दूंगा सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू। तो बढ़िया सा काम हो गया है, डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। सो गाइस सेटअप कर लिया मैंने, और अब चेक कर रहा हूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है हाई। और जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ ये तभी डालूंगा अगर ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी नहीं हो रही होगी, ये तो मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन में ही पता चलेगा जब मैं इसकी वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ। सो गाइस जो मेरा पुराना हेलमेट था ना उसके अंदर सीटियों की आवाज़ आती थी, सीटियाँ बजती थी, अगर मैं हल्का सा भी हेलमेट को टिल्ट करता था तो सीटियों की आवाज़ आती थी। सो आई होप कि इसके अंदर नहीं आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल टाइट हेलमेट है और नीचे से चेन कर्टेन वगैरह सब लगा हुआ है। सो आई होप कि इसके अंदर जो बाहर का साउंड है वो कम आ रहा होगा और विंड नॉइस वगैरह जो है वो कम आ रही होगी, आई होप, अगर रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो तो, क्योंकि अभी तक तो मैं चेक ही कर रहा हूँ इसको। लेट्स सी। सो हियर आई एम टेस्टिंग माइक ऑफ माई कैमरा एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, और मैं एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ। सो अच्छा लग रहा है कैमरा, और सेटअप भी ठीक है। अभी मेरे को बस जे माउंट लगाना है इसके अंदर, सो थोड़ा सा कैमरा जो एक्सटेंड हो जाएगा बाहर को, सो मैं देख सकूँगा कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। जय हो जय हो जय हो। सो ये था, बाकी काफ़ी सही लग रहा है कैमरा, अच्छी अच्छे से पोजीशन आ गई है इसके अंदर। बाकी मैं इसको एक बारी ना देखूंगा, अगर ये ज़्यादा रिलायबल नहीं हुआ इसका 3M टेप तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और इससे इसे परमानेंट कर सकूं, ठीक है। सो कैमरा देखो बढ़िया लग रहा है। मज़ा आ गया इसको सेट करके यार, बहुत अच्छे से फिट हो गया है माइक इसके अंदर, और GoPro का जो माउंट है चिन माउंट है वो अच्छे से फिक्स हो गया, मज़ा आ गया। आज पहली बार प्राउड फील हो रहा है खुद के ऊपर कि यार अच्छे से कर लिया खुद ही। और बेसिकली मैंने इसके लिए कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं देखा, ना कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर, सो ये मेरा। और हाँ, इसे मैं हेल्प करिए दीपक भाई ने, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वाले दीपक भाई ने, ये बताया था मुझे कि ब्लू आर्मर का इस तरह से माउंट आता है, चिन माउंट आता है, तो उसको फिक्स कर सकते हैं। सो माइक वगैरह जो है मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है, और अब एक्सट्रीम राइड्स वगैरह जो रहेंगी वो इस पर रहेंगी, और जो आसपास जाना वाना होगा वो मैं पुराने वाले अपने हेलमेट पे करूँगा, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ भी ठीक है। 70-80 तक चलना हो तो उसमें आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ज़्यादा स्पीड पकड़नी होती है तो जो माइक है वो कट 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 करने लग जाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो उसके अंदर 2-3 कनेक्शंस हैं, अडेप्टर्स वगैरह लग रहे हैं, कनेक्टर्स वगैरह लग रहे हैं, तो उसकी वजह से वो आवाज़ करता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ठीक है, अच्छे से सेट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मैं आगे सिनेमैटिक सिखा रहा हूँ आपको कि किस किस तरह से अंदर सामान लगा हुआ है, और कैसे कैसे नए और पुराने हेलमेट में कंपेरिजन दिखाता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।